नॉलेज टिप्स 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। चलिए आगे जानते हैं आज सांपों से जुड़ी जानकारी। सांप काटने पर करें यह 10 उपचार। हिंदू धर्म में सांप को देवता का दर्जा दिया गया है और नाग पंचमी को नाग पूजा किया जाता है माना जाता है कि परंतु यह भी पूर्णतः सत्य है कि सांप या नाग धरती पर सबसे विषैले जंतुओं में से एक है, जिसे काटने पर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सांप के काटने पर कई बार यह पता नहीं होता है कि कैसे उसका उपचार किया जाए। ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पीड़ित व्यक्ति को मौत के मुंह में ले जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी, सांप काटने पर कैसे उसका उपचार किया जाएगा। नंबर एक, किसी व्यक्ति को सांप काटने पर सबसे पहले उसे सीधा लेटा दें और बिना देरी किए वे जहाँ पर काटा गया है वहाँ पर किसी चीज़ों की सहायता से बांध दें। नंबर दो, सांप को अच्छी तरह देखने और पहचानने की कोशिश करें ताकि उपचार में सहायता मिल सके किस प्रकार का सांप काटा गया है। नंबर तीन, मरीज को शांत रखने की कोशिश करें। मरीज जितना उत्तेजित रहेगा उसका रक्तचाप उतना ही बढ़ेगा। नंबर चार, पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर से सारी चीज़ें जैसे घड़ी, कंगन, अंगूठी या पायल, चैन इत्यादि जो भी पहने हुए उसको हटा दें। नंबर पाँच, व्यक्ति को बेहोश नहीं होने दें। अगर वह बेहोशी की हालत में है तो उसकी सांसों पर ध्यान रखें और गर्माहट प्रदान करने का पूरा प्रयास करें। नंबर छः, पीड़ित को सीधा ही लेटा कर रखें, अन्यथा शरीर में हलचल होने से जहर फैल सकता है। नंबर सात, यदि हाथ में सांप ने काटा है तो उसे नीचे की ओर लटका कर रखें ताकि जहर दिल तक पहुंचने में वक्त लग सके। यदि पैर में काटा है तो पलंग पर इस तरह लिटा दें कि ताकि मरीज के पैर नीचे लटके रहें। नंबर आठ, पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के पानी अथवा साबुन से धोना चाहिए जहां पर सांप काटा गया है। नंबर नौ, सर्पदंश के स्थान से 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी अथवा रस्सी कसकर बांध देना चाहिए। पट्टी लगभग 1 इंच चौड़ी होना चाहिए, साथ ही दंश के 20 मिनट के बाद बांधी जानी चाहिए। नंबर 10, पट्टी इतना टाइट भी नहीं बांधना चाहिए कि जिससे खून का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाए। जितने ज़्यादा क्षेत्र में पट्टियां बांधेंगे उतना फ़ायदा होगा, दिल तक जहर न पहुंचने पाए। नंबर 10, पट्टी इतना टाइट भी नहीं बांधना चाहिए जिससे खून का प्रवाह पूरी तरह बंद हो जाए। जितने ज़्यादा क्षेत्र में पट्टियाँ बांध जाएंगी दिल तक जहर न पहुँचे, इसके लिए धर को भी पट्टियों से लपेटा जा सकता है। फ्रेंड्स, इस तरह की डेली लाइफ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएं।